यूं तो हर व्यक्ति का खाने पीने से लेकर सोने और आराम करने का समय अलग होता है। इसके बावजूद कई लोग अधिकतर लंच के बाद ऑफिस में नींद आने की शिकायत करते हैं। लोगों को लगता है कि नींद की वजह से उनका काम प्रभावित होता है। पूरे दिन में एक समय ऐसा जरूर होता है जब हर व्यक्ति बेहद थका हुआ महसूस करता है। ऐसे में खुद को एक बार फिर से फ्रेश फील करने के लिए या तो वो झपकी लेता है या फिर चाय या कॉफी का सहारा। आप खुद को 24 घंटे तो ऊर्जावान नहीं रख सकते हैं, और जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो क्यों ना फिर एक झपकी ही ले ली जाए। लेकिन नींद भगाकर आपको तरोताजा करने वाली ये झपकी कितने देर की होनी चाहिए? 10 मिनट, 20 मिनट या फिर एक घंटा? नासा ने आपके सवाल का जवाब ढूंढ निकाला है। नासा ने बताया, अगर आप 7 से 8 घंटे काम करने के बाद दिन में एक बार पावर नैप यानी झपकी ले लें तो यह आपको दोबारा एनर्जी देती है और इससे आप काफी तरोताजा महसूस करते हैं। इस पावर नैप से आप अपना बाकी काम बहुत आसानी से कर पाते हैं। पूरे दिन में ऐसा एक दो बार जरूर होता है जब इंसान को लगता है कि उसे नींद आ रही है, उसे अब थोड़े आराम की जरूरत है। इस बात पर नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और पता लगाया कि दिन में ली गई एक पावर नैप आपको रात भर की पूरी नींद के बराबर एनर्जी देती है, जिसके बाद आप खुद को काफी एनर्जेटिक और फ्रेश फील करते हैं। नासा में नींद के विशेषज्ञों ने नैप के प्रभावों पर शोध किया कि नैप लेने से व्यक्ति के मूड, अलर्टनेस और प्रोडक्टिविटी में काफी सुधार होता है। ब्रॉक विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी और नर्व साइंस के प्रोफेसर रहे किम्बरली कोटे के अनुसार लंबे समय तक झपकी आपको गहरी नींद में डाल सकती है। इसलिए नासा ने सुझाव दिया कि 10 से 20 मिनट के बीच पावर नैप लें। नासा के सुझाव में बताया गया कि 10 मिनट की झपकी आपको पूरी रात की नींद जैसा फ्रेश महसूस करवा सकती है। आप 10 से 20 मिनट के बीच लिए गए पावर नैप से बिना सोए रात भर की नींद जैसा फायदा उठा सकते हैं। खास बात यह है कि 10 मिनट की झपकी लेने से मसल्स के बनने से लेकर मेमोरी स्ट्रांग होने में काफी मदद मिलती है।